आसमान से बातें करता ये पर्वत और उस पर शान से खड़ा ये मंदिर, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मानो एक पिता सब दुखों की धूप अपने सर पर लेकर औलाद को सुख की छाया दे रहा। अच्छा, इस गाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टिर्री। टिर्री की सवारी। अच्छा, सड़क के ऊपर मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग ये लेट लेट के जा रहे हैं। लेट के दंडौती करते हैं, हमें कभी करीब एक सप्ताह का समय लग जाता है। कितने किलोमीटर? 21 किलोमीटर की परिक्रमा आई है। अरे बाप रे, 7 दिन! वाह यार, ये तो कमाल की सवारी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई है, लेकिन इससे ज्यादा आनंद किसी को चलाने में नहीं। नहीं, इससे ज्यादा आनंद नहीं आता है किसी में। वृंदावन को अपनी छत्र छाया में लिए गोवर्धन पर्वत, जहां एक ओर अहंकार को चुनौती देने का कृष्ण का संदेश हम तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर निश्चल प्रेम की बांसुरी भी सुनाता है। हमारे पुराणों के रचयिता कितने दूरदर्शी थे। उन्हें इस बात की समझ थी कि मनुष्य को छोटी बात बताने के लिए बड़े प्रसंग लिखने पड़ेंगे। अपने अधिकार की चिंता तो सब करते हैं, लेकिन जो अधिकार का अर्थ और महत्व दोनों समझता है, वो ना सिर्फ अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है बल्कि दूसरों के अधिकार की रक्षा भी करता है। वृंदावन के पास गोवर्धन पर्वत के पीछे की कथा इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। अब हम इस प्रसंग को प्रसंग की तरह लें या इस सीख को अपने अंदर अपना लें, ये मुझे और आप पे छोड़ देते हैं। फिलहाल गोवर्धन पर्वत चलते हैं। इस कड़ी में होंगे दर्शन उस पर्वत के, जिसे माना जाता है कि कृष्ण ने एक उंगली पर थामा था। मिलूंगा वृंदावन की विधवा महिलाओं से और जानूंगा उनकी दिल को छू लेने वाली कहानियां। मोहब्बत का मंदिर ताजमहल अपनी खूबसूरती से मुझे करेगा मंत्रमुग्ध। आगरा में नाश्ता होगा वहां की प्रसिद्ध बड़ई और जलेबी का। देखूंगा आगरा फोर्ट की शान और मुगलिया सल्तनत का इतिहास। जानूंगा मंटोला नाले को साफ करने के नमामि गंगे के प्रयास। क्यों है आगरा की एक पुरानी दुकान का पेठा खास, जानूंगा उसका राज। ऐसा लग रहा है पान खा रहा हूं। देखूंगा पत्थरों पर कला की जादूगरी। माँ बाप की याद में नूरजहां द्वारा बनवाया गया शानदार मकबरा इत्मादुद्दौला पर बिताऊंगा एक शाम। मथुरा के आसपास की 84 कोस की भूमि ब्रज भूमि कहलाती है और गोवर्धन जी की परिक्रमा 7 कोस की है। श्रद्धा भक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण यहां भक्तों को परिक्रमा करते देखकर मिलता है। कृष्ण भगवान ने 4,500 वर्ष के बाद में फिर से कृपा हमारे ऊपर की और गोवर्धन के अंदर से श्री नाथ जी का यहां प्रागट हुआ। श्री नाथ जी 150 वर्ष तक इस मंदिर में विराजे तो भगवान ने ब्रजवासियों को वचन दिया कि दिन में रहूंगा नाथ द्वारा, रात को आपकी ब्रज में ही आऊंगा सहन करने के लिए। देखिए, वैसे थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा इस गोवर्धन पर्वत के पीछे की कथा क्या है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। तो यहाँ इंद्रदेव की पूजा ब्रजवासी लोग किया करते थे। उस समय पर कृष्ण भगवान 7 वर्ष के थे। उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की जाए। उसी समय पर इंद्रदेव को भारी क्रोध आया तो इंद्रदेव ने ब्रज के ऊपर जल पाड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही भारी बरसात हुई उन्होंने गिरिराज को उठा लिया। बाद में इंद्र भी आया, क्षमा भी मांगी और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा भी लगाई। ये बातें 5,235 वर्ष पुरानी थी। केशव के जीवन की कोई भी घटना गहरी सीख के बिना नहीं है। पुराणों के अनुसार यहाँ भी इंद्र का अभिमान तोड़कर उन्होंने सच्ची भक्ति और न्याय स्थापित किया था। ऐसे ही नहीं कोई अपना आशियाना छोड़कर चल देता है, कहीं तो अस्तित्व को ठेस लगी होगी। जब अपना सहारा छिन जाता है और अपनों से किनारा मिल जाता है, तब बेसहारों को अपनी झोली में भरकर अगर कोई भूमि पनाह देती है तो वो कान्हा की भूमि ही हो सकती है। 16वीं शताब्दी में
जब बंगाल से चैतन्य महाप्रभु बेसहारा विधवाओं को सती प्रथा से बचाकर यहाँ लाए, तो जरूर उनके मन में इस ब्रजभूमि की उदारता ही रही होगी। राधे राधे, वृंदावन में है तो राधे राधे, वृंदावन में रहे ना तो राधे राधे कहना है। बिल्कुल राधे राधे कहना और आप सबका चरण स्पर्श करना है। ये मुस्कुराते चेहरे, ये कृष्ण भक्ति में लीन चेहरे, इन चेहरों पर जो शांति नजर आ रही है ना, उसके झांसे मत आइएगा, क्योंकि हर चेहरे के पीछे अपनी एक कहानी है, हर चेहरे के पीछे जज्बात का एक जलजला है, हर चेहरे के पीछे जज्बात का एक भंवर है। ये तो शायद भुला चुके होंगे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हर साल मथुरा वृंदावन में हमारे समाज में से लाखों लोग अपनी आस्था और मान्यता लिए, अपनी सुख और संपन्नता की उम्मीद लिए कृष्ण के चरणों में आते हैं, और हर साल उसी समाज में से कुछ लोग उसी कृष्ण के चरणों में आते हैं लेकिन अपनी माताओं और बहनों को छोड़ जाते हैं। कुछ शायद इसलिए क्योंकि उन माताओं के चेहरे पर अब सिंदूर नहीं, और कुछ इसलिए क्योंकि शायद उनको उनकी ज़रूरत का अब आभास नहीं। ये जो मैंने कहा सही है ना? नमस्ते। नमस्ते राधे राधे। राधे राधे, अरे यार मैं भूल जाता हूँ बार बार, राधे राधे। अच्छा आपका नाम क्या है? अनुपमा मुखर्जी। मतलब बंगाल से हैं? जी हाँ। आप कब से यहाँ पे अनुपमा जी? 10 साल हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आई? मुझे सच्ची में कोई रहने का स्थान नहीं था, मैं एकदम बेघर, किराए का मकान में रहती थी, दूसरों के घर में बर्तन धोआ करती थी, मैं और मेरी बेटी, हमारा कुछ नहीं था, गुजारा करती थी वैसे। पति तुम्हारे का प्रॉपर्टी जो था सब ले लिया, इन लोगों का कृपा से मैं बहुत सहन से रह रही, बहुत कुछ जो जिंदगी में मैं दुखी थी, मैं वृंदावन में इस आश्रम में आसे बस मुझे मैं सब भूल गई, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे बेटा। कहाँ है मैंने किया? मेरा कोई नहीं है, राधा ने किसी चेहरे के पीछे एक कहानी है, हर चेहरे के पीछे जज्बातों का एक जलजला है, एक अमर है। और आप कहाँ से आई? हाथरस। आप हाथरस से आए, तो आप यहाँ पे क्यों आई? जब माँ बाप खत्म है गए तो मायको का राख ले वो। अच्छा यहाँ पर सुबह से शाम तक दिनचर्या कैसी रहती है? अब जी अगरबत्ती का काम चलेगा, अगरबत्ती का काम करेंगे, जब सिलाई चल रही जी बिहारी जी के दुपट्टन की, जब सिलाई कर रहे। गुजारा कैसे होता है? गुजारा पैसा मिलता है। मिलता है पैसा? हाँ। पेंशन मिलती है? पेंशन मिलता है। आप कहाँ से हो? मैं झारखंड से। और यहाँ पे आप क्यों आई? हमारे हमारा कोई था नहीं, पति का देहांत होने के बाद हम किसी पे बोझ बनना नहीं चाहें, इसीलिए हम यहाँ चले आए। जैसा कि मैंने कहा कि हर चेहरे के पीछे अपनी एक कहानी है, जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, अगर वो आपकी कदर नहीं करते तो ये वहाँ रहना नहीं चाहते। अब एक खुशी वाला भजन गाएं कुछ अच्छा वाला, क्योंकि बहुत तकलीफ वाली बातें हो गई। राधे राधे रे तो चले आएंगे बिहारी। ए खुदा, शिकवे शिकायतें लाखों मगर किसी से किसी का घर ना छूटे। हमारे देश में एक ऐसा शहर है जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, जब भी भारत का नाम लिया जाता है तो इस शहर का नाम आता ही है। तो बस यमुना के साथ आगरा पहुंच रहा हूं ताजमहल को देखने। कृष्ण नगरी वृंदावन से आगरा की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। ताजमहल, सारी दुनिया जिसे मोहब्बत का मंदिर और खूबसूरती का शाहकार कहती है, पर्शियन और मुगल वास्तुकला से बना यह मुमताज महल की याद का मंदिर उनके पति और हिंदुस्तान के शहंशाह शाहजहां ने लगभग 1631 में बनवाना शुरू किया और 1648 में इसका मकबरा तैयार हुआ। बाकी बाहरी इमारतें और बगीचे 5 साल बाद बनकर तैयार हुए थे। भारत में भी शायद ही कोई ऐसा होगा जो विश्व के 7 अजूबों में से एक इस ताजमहल को देखने यहाँ नहीं आया। चिंता मत कीजिए, अगर आपने ये नहीं देखा तो आज आप मेरी आंखों से विश्व के इस नूर अपने ही आगरा के ताजमहल को देख लीजिए। 1983 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुना गया और हर साल पूरे विश्व से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। आप जानते हैं ताजमहल के ना बचपन की एक याद जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे आता वो ना करता हो, और ये बहुत बचकानी चीज़ है, लेकिन हमेशा हम ताजमहल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये ताजमहल आपने ऊपर से पकड़ लिया, आपको नज़र आएगा सब बच्चे इस समय ऐसे ही कर रहे होंगे जो पीछे होंगे।
ये ताजमहल को पकड़ा। ताजमहल 20,000 कारीगरों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। कहते हैं इसे बनाते वक्त सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लगभग 1,000 हाथियों का इस्तेमाल भी किया गया था। यमुना के किनारे बने इस अद्वितीय मकबरे के बारे में कहा जाता है कि यह हर प्रहर अपना रंग बदलता है, कभी दूधिया सफेद तो कभी हल्का गुलाबी। आगे है दिन की शुरुआत आगरा की मशहूर बड़ाई जलेबी के साथ। रूबरू होंगे आगरा फोर्ट के शानदार इतिहास से। जानूंगा कैसे आगरा में यमुना को प्रदूषित करने वाला मंटोला नाले पर करेगा नमामि गंगे काम। होगा मुंह मीठा आगरा के प्रसिद्ध पेठे के साथ। गर्म गर्म कुरकुरी जलेबी और साथ में अगर हो आगरे की करारी पूरी सब्जी तो वो कौन है जिसके मुंह में पानी ना आ जाए। तो आज सुबह आगरा में मैं उठा, जिम गया। जिम जाने के बाद मैं सोचा कि आज मैं भरपूर नाश्ता करूंगा, तो मैं अपने रेस्टोरेंट में गया, मैंने ऑर्डर किया और वहीं का वेटर आके मुझे कान में बोला, सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो नाश्ता आगरा में लोग खाते हैं सुबह सुबह वो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। लीजिए मैं आ गया हूँ नाश्ता करने के लिए। क्या है खास आपके नाश्ते में यार? इसको आगरा का प्रसिद्ध बेड़ई बोला जाता है। इसमें आप खा के देखेंगे तो इसमें एक अंदर अलग तरह की स्टफिंग है। बेसिकली बेड़ई ये पूड़ी नहीं है, इसके अंदर एक दाल की स्टफिंग है, उसके साथ हम सब्जी में जो स्पाइसीनेस होती है उसके ऊपर टॉप ऑफ कर्ड जो होता है वो असली स्वाद उसका मजा तभी आता है। मैं राजस्थान से हूँ सर, हमारे वहाँ पे कचौड़ी होती है। ये लीजिए मेरा हो गया आज का दिन शुरू। लाजवाब है। हम 70 साल पुराने हैं करीबन। 70 साल हो गए आपको? जी, हमारी कई सारी आउटलेट्स हैं लेकिन लोग यहाँ पे खड़े होके खाने में ही अलग स्वाद आता है। किसी गल्ले पे चाय पीने का जो मजा है जी जी जी, किसी रेस्टोरेंट पीने का नहीं है। ये तो हो गया तीखा नाश्ता, तीखा पूड़ी। अब उसके बाद मुंह मीठा करना पड़ेगा और वो है जलेबी। ये है जलेबी। अरे वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन मेरा आगरा में निकलने वाला है। अरे अच्छी शुरुआत हो गई है, मुँह मीठा हो गया। अब बस उम्मीद करता हूँ कि दिन कड़क निकलेगा। मुगल सल्तनत की ये शान आगरा फोर्ट आज लगभग 500 साल बाद भी उतनी ही शान और शौकत से खड़ा है। मैं जब इन स्मारकों को, इन गढ़ों को, इन किलों को देखता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ कि किन मंसूबों की नींव पर खड़े होते हैं ये। भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, इनकी शान में कभी आँच नहीं पड़ती। तो आज इसी शान में अपनी शान बढ़ाने मैं आया हूँ। मुगलिया सल्तनत को गौरवान्वित करता इतिहास का एक और शानदार दस्तखत है आगरा का किला। यूं तो ये किला पहले लाल ईंटों की इमारत के रूप में यहाँ था, मगर बादशाह अकबर ने जब आगरा को अपनी राजधानी बनाया तो इसका फिर से निर्माण किया। अब इसे देखकर कोई क्या कहे, आपके जहन में पहला शब्द क्या आता है इसे देखकर? मैं तो यूँ कहूँगा कि खूबसूरत शब्द भी कम पड़ता है इनकी खूबसूरती बयां करने के लिए। 1573 में तैयार हुए इस किले को बनाने में 8 साल लगे और 40,000 कारीगरों ने रात दिन इस पर मेहनत की। रमेश जी, ये क्या है, इतना खूबसूरत कोई कैसे बना सकता है? मुगलों की ये सबसे बड़ी देन है भारत के लिए कि वो सीमेंट्री मेंटेन करते थे, उनका बनाने का स्थापत्य के ऊपर जो उनका कमांड था वो अजूबा था, अतुलनीय था। मतलब वही ऊपर के मैंने वो आर्चेस देखे, वो एक आर्च दूसरी आर्च से इतना सा भी नीचे है, ऊपर नहीं। लगभग 90 एकड़ में फैला ये किला मुगलों की शान की गवाही खुद देता है। 100 राजा के ऊपर एक बादशाह हुआ करता था और जो उनके दीवान हुआ करते थे, जो हम जो ये देख रहे हैं यहाँ से उनको जस्ट एक दिया जाता था कि ये इनके बारे में शिकायत है। आम जनता अपनी बात बादशाह के सामने रख रहा है और सामने के सामने देन एंड देयर उसको वहीं पे सजा दी जाती थी या बरी कर दिया। तो देखिए बिल्कुल, मतलब सामने जज बैठे थे, उनके नीचे उनके पेशकार बैठते थे, बिल्कुल वही सेटिंग आज भी चली आ रही है। पहले यहाँ पानी हुआ करता था। ये दीवाने खास है, यहीं से बादशाह इस पर बैठते थे और यहाँ पे हर एक विभाग के मंत्री यहाँ पर हुआ करते थे और उनसे चर्चा होती थी। तो इसी में शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था। आप देखिए कि ये उस समय की कितनी खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी, जो बच्चे कारी से भरा हुआ, और यही काम अभी भी चल रहा है। और यहाँ से अगर हम बाहर चलते हैं तो आप देखें कि यमुना नदी दिखाई दे रही है और उसके सामने ताजमहल है।
एक्चुअल में उस समय में क्या था कि ये यमुना जो आप देख रहे हैं जी, वो यहां तक ये यहाँ से गुजरती थी। शाहजहाँ हर हमेशा इस जगह पे बैठ के ताजमहल को देखा करते थे, अपनी बेगम को, मुमताज को याद करते थे। यही वो किला है जहाँ शाहजहाँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे बिताए थे। क्या आप जानते हैं आगरा फोर्ट का शीश महल आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि हम में से कुछ लोग यहाँ पर आकर इस पे दीवारों के ऊपर कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे खरोंचे मार दी हैं, इसको बर्बाद करने की कोशिश की गई है। तो कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा जो देश है, विश्व से जितने भी यहाँ सैलानी आते हैं, उन लोगों के लिए शीश महल बंद है। कुछ नहीं, आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। ये चूँकि खास जगह है, हमाम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। राजकुमारी, महिलाएँ, बादशाह की पत्नी या उनके रिलेटिव्स इसका उपयोग बाथरूम के रूप में किया करते थे। आज की तारीख में संसार में विश्व का सबसे अमीर आदमी नहीं, ये जीवन का एक अंश भी नहीं जी सकता। जी जी जी, अकबर की सबसे बड़ी खासियत है कि अकबर यहाँ का पानी नहीं पिया करते थे। यहाँ से 16 दूर है, 150 किलोमीटर दूर, वहाँ से गंगा जल प्रत्येक दिन आता था और प्रत्येक दिन वो गंगा जल से स्नान करते थे और गंगा जल ही पीते थे। सुन रहे हैं आप, अकबर को भी गंगा जल की अहमियत पता थी। आगरा फोर्ट आगरा की शान है, लेकिन हर शहर के दो चेहरे होते हैं। एक जो अभी आपने देखा, एक शानदार इतिहास, और एक जो अब आप देखेंगे, हमारी बेरुखी और बेसमझी का चेहरा। आगरा का मंटोला नाला जो हर रोज करता है यमुना नदी को प्रदूषित। क्या सोच रहे हैं गाँव में? देखिए, आगरा में लोग ताज की खूबसूरती देखने के लिए तो जरूर जाते हैं, लेकिन आगरा की तकलीफ देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। क्या हो रहा है यमुना के साथ में, और क्या कोशिशें हम कर रहे हैं कि ये वापस जीवित हो सके? जो हमारी यमुना है, ये यमुनोत्री से निकल कर इलाहाबाद तक जाती हैं जी, और 1376 किलोमीटर लेंथ में ये ट्रेवल करती हैं। इसमें आज की डेट में जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, उसमें आगरा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है दिल्ली के बाद। और अभी हमारे इसमें 1993 से लगातार यमुना एक्शन प्लान के विभिन्न चरणों में काम चल रहे हैं, और अब रिसेंटली जब जून 2014 में नमामि गंगे की फॉर्मेशन सिर्फ नदियों के शुद्धिकरण, अविरलता और निर्मलता के लिए हुई, तो उसमें जो है नमामि गंगे ने 21 प्रोजेक्ट तब से अब तक लॉन्च किए हैं। इसमें 7 प्रोजेक्ट हमारे यूपी में हैं। आगरा में हमारा करीब 20 लाख की आबादी एट प्रेजेंट है, और हम 286 MLD सीवेज जनरेट करते हैं, यानी यू कैन ट्रांसलेट इट के 28 करोड़ लीटर पर डे हम सीवेज का जनरेशन आगरा में कर रहे हैं जो। अरे बाप रे बाप। और जहां हम खड़े हैं, ये हम खड़े हैं लाल किला और ताजमहल के बीच में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, जहां पे मेरा ये नाला यमुना को प्रदूषित करता है। लेकिन नमामि गंगे ने एक महत्वपूर्ण योजना इसके लिए बनाई है, उसकी कॉस्ट है 842 करोड़ रुपीज़ जी। 842 करोड़ रुपीज़ में हम कुल 177.75 MLD के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का स्थापना करने जा रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का सेकंड बिगेस्ट नाला है। 8 से 9 लाख लोगों का सीवेज, जनरेटेड सीवेज इसमें आता है, रोजाना इतना जनरेट होता है जो इस नाले को कैरी करेगा। जो हम इसको 2023 दिसंबर के लिए पूरा शासन प्रशासन नमामि गंगे और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि इसको हम 2023 में नाला आपको नहीं दिखेगा। ये सरकार का वचन है कि 2023 के अंदर ये नाला बिल्कुल साफ होगा। आगरे का पेटा खाने तो आदमी सब काम छोड़कर भी दौड़ता है। बस मैं भी निकल पड़ा आगरे की गलियों में एक खास दुकान ढूंढने। क्या नहीं आता तो आप मुझसे कहते कि मथुरा के पेटे तो खा लिए, आगरा के पेटे खाने नहीं आ पाए। अब पेठों की दुकान तो बहुत है, आगरा है तो भरपूर दुकानें हैं, लेकिन मजा तो तब है जब आप आगरा की सबसे पुरानी पेठे की दुकान है। अब यहाँ जो स्वाद होगा वो मैं मानूंगा कि ओरिजिनल स्वाद होगा। बहुत पुरानी दुकान है आपकी? बहुत पुरानी, 80-90 साल पुरानी है कम से कम। 80-90 साल, तो मैंने सही किया ना यहाँ पहुँच के? अच्छा, पेठे किस चीज के बनते हैं? पेठे का फल आता है ये जी, जिसे कुमड़ा कहते हैं। अच्छा, एक कद्दू जैसा होता है ना? कद्दू जैसा होता है, अंदर से सफेद होता है। तो मतलब पेठे फल से बनते हैं। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ अलग अलग रंग है, तो ये रंग जो है? रंग नहीं है, ये केसर का है, ये लाल पेठा हमारे यहाँ बनता है, जिसे खाइएगा आप जी। ये देसी शक्कर का बनता है, इसको खाइएगा आप, इसको आपको सेहत का तो स्वाद आएगा आपको। बहुत बढ़िया सर, ये तो मैं बातें बातों में सारा खा जाऊंगा, पर इसके अलावा दूसरा कौन सा भैया बताइए? पेठे का पान गिलोरी। पेठे का पान जी, इसके अंदर गुलकंद, मेवा और सुपारी और छुआरा डाला रहता है। ऐसा लग रहा है पान खा रहा हूँ। ये आगरे का जो पान बनता है सेम वो लगेगा आपको खाने में।
पेठे का और आगरे का क्या रिश्ता है? पेठे का तो मुगल कालीन से रिश्ता है, कम से कम इसको बनाते बनाते 200 साल हो गए। यहाँ का टेस्ट जो आता है पानी से आता है, और कहीं भी इंडिया में कहीं भी बनाएंगे वो टेस्ट नहीं आएगा जो आगरे के पानी में टेस्ट आएगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो पेठे बनते थे पहले उसमें जमुना का पानी होता था? जमुना का पानी। सोचिए, जमुना के पानी से पेठे बनते थे, जो पेठे पूरे इतने मशहूर हुए कि मतलब तब से वो सिलसिला चलता आ रहा है, जमुना नहीं रही, बस इस बात का अफसोस है। पेठे तो अब भी हैं। आगे जानूंगा क्यों है दुनिया भर में मशहूर पत्थर के काम पर आगरा की पच्चेकारी कला। देखूंगा ताजमहल को प्रेरणा देने वाले इत्मादुद्दौला की शान। पत्थरों पर कला की जादूगरी अगर कहीं देखी जा सकती है तो वो आगरा है। दुनिया भर में पत्थर के काम पर आगरा के कलाकारों को पीढ़ी दर पीढ़ी महारत हासिल हुई है। देखिए, अब दोबारा ताजमहल बनाना या दोबारा आगरा फोर्ट खड़ा करना, ये सोच से भी परे। ना तो वो कलाकार जीवित हैं और ना ही वो सोच जीवित है। लेकिन आपने आगरा फोर्ट और ताजमहल के संगमरमर के ऊपर वो बारीकी वाला काम देखा है? जी हाँ, वो कला आज भी जीवित है। संगमरमर के ऊपर रत्नों को जड़ने की कला, पच्चीकारी की कला। क्या बना रहे हैं? हम मार्बल के अंदर ये खोद के स्टोन्स को इनले कर रहे हैं। मार्बल को खोद के आप पत्थर लगा रहे हैं? ये रत्न है जी। एक टाइल आपके पास में, इसको बनाने में कितना समय लगा? इस पीस को पूरा तैयार करने में तकरीबन 10 दिन लगता है। एक ही आर्टिस्ट बनाता है? दो आर्टिस्ट बनाते हैं। पहला आर्टिस्ट जो स्टोन्स को शेप करता है जी, और दूसरा आर्टिस्ट जो कि काट के उसको इनले करता है स्टोन्स को मार्बल के अंदर जी। ये कला कब से चली आ रही है? जब ताजमहल बनाया गया जी, तब से चली आ रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं की लीनियज है, उन्हीं कलाकारों से कलाकार आगे बनते कर सही होगा जी? जो भी आर्टिस्ट काम करते हैं उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। देखिए, कमाल की बात है, वही लीनियज चली आ रही है शाहजहां के टाइम से। यहाँ से कलाकार काम शुरू करते हैं, लेकिन इनकी कला फाइनली क्या स्वरूप लेती है, चलिए देखते हैं। भैया बताइए कि कितना एक्सपेंसिव है, ताकि मैं उसी इतिहास से यहाँ चलूंगा फिरूंगा, नहीं तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गिर गया तो। बहुत कीमती पीसेस हैं, एक एक पीस को बनाने में बहुत वक्त लगता है। जैसे कीमत आर्ट की है, आर्ट की है और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की है और इसके शेप की है। जैसे इस मार्बल को मोल्ड करके एक बनाया गया है, उसके बाद ये सब टर्कोइज ईरान का पत्थर इसमें ले है। पर्टिकुलर वास के अंदर तकरीबन 7,856 स्टोन्स इनलेड हैं इसके अंदर। एक्चुअल में मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार ये तो पेंटिंग लग रही है, किसी ने पेंटिंग किया हुआ है, पर ये सब कुछ जड़े हुए हैं। अच्छा, इसके कदरदान कहाँ कहाँ पर हैं? पूरे देश विदेश में, मतलब बाहर से भी लोग ऑर्डर जी जी बाहर से ज़्यादातर बाहर के लोग इसको ऑर्डर करते हैं, अपनी आर्ट को प्रमोट करते हैं। कला है क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार भी देती है। ये कारीगरी घटती चली जा रही है जैसे हम लोग मॉडर्न ज़माने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये टेबल पर जो काम है जी, ये लगभग कितना समय लेता है? ये तकरीबन 6 महीने में एक टेबल तैयार होती है इस फ्लावर वास के साथ। और क्या खास बात है इस टेबल की? इसमें ब्लैक मार्बल है और आप देखिए फाइन मदर ऑफ पर्ल का इनले हो रखा है। क्राफ्टमैनशिप का मतलब ये होता है कि जितना छोटा होता जाएगा उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा और उतनी ही इसकी कॉस्ट होगी। और अब ये जो पीसेज अगर आप मेट म्यूजियम न्यूयॉर्क में देखेंगे तो वो 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की इसकी वर्थ होती है वहाँ पर। यही कलाकारी की? इसी कलाकारी की, जबकि वो इतने फाइन भी नहीं है जो आज हमारे पास मौजूद हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मैं आपको पीस ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी देखें आप, इसकी वर्कमैनशिप। पेटल्स हैं, अब आप चमक देखिए इसकी। अब इसको मैं पूरा डार्क करके दिखा रहा हूँ, अब आप इसकी डिटेल्स जो भी देखें कहता है मार्बल है, लेकिन ये संगे मरमर मार्बल है। इस पर्टिकुलर बॉक्स को बनाने में तकरीबन 8 महीने का वक्त लगता है। क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, इस एक्सपोजर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस कला को अप्रिशिएट करें और प्रोत्साहन दें उन कलाकारों को। जितने साल तक ये कला चलती जाए उतना ही हमारे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल सही बात। इत्मादुद्दौला, जिसे हिंदुस्तान की उस वक्त की सबसे ताकतवर मलिका नूर जहां ने अपने वालिद मिर्जा ग्यास बेग और अपनी अम्मी असमत बेगम की याद में 1622 से 1628 के दरमियान बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये इमारत भी यमुना किनारे है और कहा जाता है ये ताजमहल के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। नूरजहां ने अपने माता पिता की याद में यह मकबरा बनाया। हम भी अपने माँ बाप के लिए यही करते हैं, विश्व में हर कोई अपने माँ बाप के लिए ऐसा ही करता है। और हम हिंदुस्तानी लोग खासकर, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में है, अपने से बड़ों को, अपने माता पिता को आदर प्रेम और इज्जत के साथ इस संसार से विदा करना।
सच मानिए, जब से मैं वृंदावन के उस आश्रम से आया हूँ, मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। हकीकत कुछ कहती है, लेकिन मेरा मन ये स्वीकारने को तैयार नहीं कि हम में से कोई कैसे अपने अपनों को किसी आश्रम में छोड़कर यूं ही चला जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। मैं जानता हूँ कोई कारण होगा, हालात की मजबूरी होगी। आप जानते हैं, जब भी मैं ऐसी चुनौती में होता हूँ तो खुद को गीता का वो उपदेश याद दिलाता हूँ, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। हालात के सामने मजबूर होना तो कायरता है, हालात से लड़ना वीरता है, और हम वीर लोग। मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो माँ बाप, जो हमारे बड़े हमारे लड़खड़ाते कदमों को सहारा देकर हमें अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, जिस दिन उनके कदम लड़खड़ाने लगें, तब हम उनकी लाठी बनकर, उनके पैर बनकर, उनकी फर्श बनकर उनको सहारा देंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।